नमस्कार, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं वन इंडिया। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा के बालासोर से, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है ये हादसा बहुत ही बड़ा है। आप जान लीजिए कि तलाशी और बचाव अभियान के लिए अभी से ही टीमें पहुंच गई हैं। वहीं बालासोर कलेक्टर को सभी जरूरी व्यवस्था करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होने की SRC को भी सूचना दे दी गई है। ये हादसा बहुत बड़ा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है मालगाड़ी से टकरा गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कई लोगों की जान जाने की आशंका बताई जा रही है। वहीं कई यात्रियों के ट्रेन के पलटे डिब्बों में फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। विशेष राहत आयोग कार्यालय ने जानकारी दी है कि हादसे वाली जगह पर तलाशी और बचाव अभियान के लिए टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं बालासोर के कलेक्टर को भी सभी जरूरी व्यवस्था करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होने पर SRC को भी सूचना दे दी गई है। इस टक्कर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। लगभग पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं, जिसे स्थानीय लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा करीब 7 बजे के आसपास हुआ। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। भारतीय रेलवे में फंसे यात्रियों के परिजनों के लिए नंबर जारी किया है। किसी भी यात्री को अपने परिवार के सदस्य को लेकर जानकारी चाहिए, वो इस नंबर 6782262286 पर फोन कर सकता है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने बताया कि बालासोर के कलेक्टर को भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता लेने पर सूचित कर दिया गया है। वो किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। वही CRPO दक्षिण रेलवे के मुताबिक कई बोगियों के पटरी से उतरने की सूचना है। फिलहाल सामने नहीं आया है कि कितने लोग घायल हुए हैं। वहीं ये हादसा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, पूरी की पूरी कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन जो है वो मालगाड़ी पर चढ़ गया। मालगाड़ी पर चढ़ने के बाद सारी पूरी ट्रेन पटरी से उलट चुकी है और कई लोगों के घायल होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं आशंका है कई लोग इसमें मारे भी गए हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।